है, जिस वक्त अंजना और पवन की शादी हुई और अंजना की सखी सहेलियों ने पवन को पसंद नहीं किया कि ये वर तेरे लायक नहीं है, तो जिस टाइम शादी होकर के घर चले जाते हैं तो पवन अंजना को महल दुभागन बना देता है और वो रावण की फौज में भर्ती हो जाता है जा करके। और फिर उसको जब 12 साल हो जाते हैं ऐसे बीतते, तो एक दिन रात को पवन पहरे ऊपर खड़ा था और लड़ाई बंद हो गई थी रात के समय, तो वहाँ एक पेड़ पर चकवा चकवी अपनी कुछ कहानी कह रहे थे। तो चकवी बोली चकवे से कि महाराज कोई कहानी सुनाओ जिससे दिल लगे। तो चकवा कहने लगा कि कहानी अब बिच्ची सुनेगी या जग बिच्ची। तो चकवी कहने लगी कि महाराज हम तो साथ रहते हैं, ऐसे आदमियों की कहानी सुनाओ जो अपनी औरतों से अलग रहते हैं, उनका टाइम कैसे कटता है और वो कौन आदमी है। तो चकवा पवन के बारे में कहता कि ये जो आदमी नीचे घूम रहा है, हम इसकी कहानी आपको सुनाएंगे। इसको 12 साल हो गए हैं अपनी औरत को छोड़े हुए और आज तक इसने ये पता नहीं लिया कि वो दुख में है या सुख में है और कैसे अपने दिन काट रही है। तो चकवा क्या कहने लगा चकवी से, हेरे आधी रात परिंदे बोले हुआ चकवी जंग जोवे थी, पैरे ऊपर पवन जागता फौज पड़ी सोवे थी, आधी रात परंदे ले चकवी जोवे थी, पैरे ऊपर पवन जागता फौज पड़ी सोवे आधी रात परंदे बोले चकवी जम जोवे थी, तेरे ऊपर पवन जागता फौज पड़ी सोवे चकवा कहने लग्या चकवी ते प्रेम जाल में फस के हरी कीर्तन करना चाहिए तड़े राम के बस के, ओम नाम ने भूल गया क्यों गर्व से मैं दस के, मर्द जात कुछ करो बात मेरी रात कटे हस हस के, हो पाखंड के मफस के व दुनिया, पाखंड के मफस के दुनिया सेम डले डोवे थी, पैरे ऊपर आधी रात परंदे बोले चकवी जंग जोवे थी, तेरे ऊपर पवन जागता फौज पड़ी सोवे बात कहन का मौका कोना, वो चकवान बोलिया पाप जगत में फैल गया धरती का पर्दा डोल,
पैरे दारे पवन पे पड़ियो आज गजब का गोला, हाथ मसलती चकवी रहगी न बेद बात का खोलिया फेरम मीठा बोले सुरीला बोलिया, मीठा बोल सुरीला बोलिया, वत चकवे ने मोए थी पैरे ऊपर पवन जागता बोझ पड़ी सोए थी, आधी रात परिंदे बोले चकवी जग जो सांझ का कह रहा सुया आली रात शिखर में चकवी आंखे लागती कोना पपन तेरे फिकर में, दो दिन का जीना दुनिया में गर्दिश के चक्कर में, पैरे दारे पवन का सुन ले आगे करूं जिकर मैं, फिर अंजना रानी रंज फिकर मैं, अंजना रानी रंज फिकर मैं, दुख अपने न रोवे थी तेरे ऊपर बात कहण में चकवी नहीं दोष मारा से, परंदा के डेरे में पप्पी पवन राज आ रहा से, गाम बरोनायो जाट मेर सिंह ले सुर में गाया से, श्री लक्ष्मी चंद ते ज्ञान लिया न्यू सबने समझा रहा से, फिर दीन जानपति सेवा करती, दीन जानपति सेवा करती, जो गंगा में बोए थी पैरे ऊपर मन जागता जागता। जिस वक्त चकवा चकवी की कहानी सारी पवन ने सुनी तो पवन को एकदम अंजना की याद आती है और अपने दिल को कोसने लगता है कि तूने बहुत बुरा किया है, 12 साल हो गए आज तक ये पता नहीं लिया कि वो किस हाल में है, और अपने मंत्री से छुट्टी मांगने के लिए जाता है तो क्या कहता है। रे चकवा चकवी सुने बोलते और ध्यान भूप का फिर गया, बारह
साल हुए अंजना ते पटन ने जी कर गया चकवा चकवी सुने बोलते ज्ञान भूप का फिर गया बारे साल मेरे गात ने फूके बिन चकवे के चकवी सुनी अंजना का दिल दुखे कच्ची कली अखेड़ी बाग में बिन माड़ी के सूखे थोड़ा बाणा बांस हाथ में व घड़ी महल पे कूप के वा मरने तेना बिल्कुल चुके वा मरने तेना बिल्कुल चुके उका जीने ते मन भर गया पारे साल मखमल की सा डकरी हो गितन अंजना कग्गा के माँ गिररी मारे बैठी हो गि मने अंजना तीज त्योहार पति की गल्ला बिन सजन के ढंग अंजना पारी होगी तंग अंजना पारी होगी और मैं पप्पी निस्तर गया बारे साल ये अंजना ते बाद में पवन अपने मंत्री को कहने लगा कि मैंने बहुत गलती की है सती वीर ने जो मर्द त्याग दे गलती सरासरी से सयाने मानस न्यू कहेंगे तन गलती कोड करी से अंजना का ना कोट रखती भर सारी कथा मेरी से धर्मराज के चले मुकदमा वा अंजना हूर बरी से मेरी भूल के कारण मंत्री मेरी भूल के कारण मंत्री मेरा लाल रेत में तेर गया बारे साल करेगा चकवा चकली
इसी बात में मेहर सिंह ने अपने घर का जिक्र दे दिया कि भर्ती होने से पहले मर्द वीर किस तरह रहा करते थे, तो के बताने लगा मुश्किल जाल था मेरी, मामूली सी बात के ऊपर कर दी काल कामेनी। प्रतियोन ते पहले में उसने पैरे सूट जामेनी, दो आड़ा का फेर दरिया और कच्ची करी लामेनी। रो रो कैनु कह जाटनी, रो रो कैनु कह जाटनी, कित जाट मेरे सिंह मर गया बारे साल। तो मंत्री ने पवन के कहने पर 2 दिन की छुट्टी दे दी और पवन जो अपने घर की तरफ चल पड़ता है, रास्ता दूर था, मुश्किल से 2-4 घंटे का टाइम रह गया वापस लौटने का, तो एकदम दुहाग महल में जाता है और अंजना से अपना प्यार मोहब्बत करके और वापस चला जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चला पवन के आने का, तो अंजना का गर्भ ठहर जाता है। कुछ दिन बाद जब गर्भ बड़ा होता है तो उसकी माँ को पता लगता है कि पवन को तो 12 साल हो गए आए और तू ये गर्भ कहाँ से ले आई, तूने तो हमारी नाक काट दी। और वो उसको घर से बाहर निकलने के लिए कह देती है, तो क्या कहने लगी उसकी सासू। तेरे अग्गा पचा देख्या कोना, और लुटे से रंग टाट तने, हे तू डूब गई बेहुदी अंजना, कर दिए बार बाट तने। अगा पछा देखा कोना, लुटे से रंग टाट, शर्म लिया आज तन तार बग्गा दी अंजना कपर भरनी, धर्म छोड़ के अधर्म करती कोना पार उतरनी। कर्मा के अनुसार चले तेरे अग्गे तेरी करनी, हरिया डंडे की डाला तन खुद बिराणी चरनी। हरिया डंडे की डाला तन खुद बिराणी चरनी, तू खुली बछेरी चरे बाड़ने, खुली बछेरी चरे बाड़ने, तो गली को न काट तने, डूब गई बे हुदे अंगना का संद की
बेटी कैसे तेरे खोट ने कड़े लको ओड़ पमाड़ा कर बैठी तन कड़े कड़े तरो दुनिया में ना जतने सा तेरे पाप दाग ने दो के फायदा तन गणी कहण में मैं भी बुंडी हो लू खून बिराना तेरे पेट में खून बिराना तेरे पेट में खून बिराना तेरे पेट में लुक लुक कर घर पे डाक मैंने वो कहने लगी अंजना की सासू अब जब तेरा पेट यो बड़ा हो जाएगा नौवा महीना होगा पूरा जब क्याल होगा दुनिया में कैसे चर्चा चलेंगी मारी कितनी बदनामी होगी के बताया नौवा महीना पूरा हो तेरा सभी उगाड़े उगड़ता दुनिया में तेरी चर्चा चले सारी भीड़ बिगड़े जा काला मुँह करवा बैठी तेरे कोई ना लड़ जा तेरी शान देखनी ना चाहती तू गरते बाहर लिखड़े जा शान देखनी ना चाहती तू गरते बाहर लिखड़े जा बेशक कुया जोड़ टोलिए बेशक कुया जोड़ टोलिए मैं तो बिल्कुल ना रही नाटक में डूब गई वे बुद्धि अंधा बात में मेहर सिंह ने फिर अपना जिक्र दे दिया के बताया हे आलन दे तेरे कसम डेढ़ ने तेरे नल में लठुकवा दूंगी सारे ठाट भूल जागी तारे दिन में दिखवा जो बोलेगा तेरी मेर में नारे भांडे टिकवा दूंगी मेरे बस्ती ना रही सांडनी न्यू चिट्ठी में लिखवा दूंगी मेरे बस्ती ना रही सांडनी चिट्ठी में लिखवा दूंगी तेरी बहू घरा तू रे बॉर्डर पे बहू घरा रोलू मेर सिंह जाके तने डूब गई बे जिस वक्त
अंजना को बाहर निकाल देती है उसकी माँ घर से, तो पवन को सपना दिखता है रात को कि अंजना के साथ ऐसी बात बन रही है। तो पवन जो है अपने मंत्री से क्या कहने लगा सपने की बात, तो क्या बताया, रे मेरी तबीयत डटी डटती कोन्या, या विपत पड़ी मारे मैं, रे सपने के मदिया दिखाई अंजना के बारे में, तबीयत के सपने में मन देखी सूरत बोली, गोटा पकड़े जगावन लगी आंख देर में खोली, इब तू सजन बैठा होले बहुत गणी हद होली, टप टप आंसू पड़े नैन ते वाहूर परी न्यू बोली, टप टप आ तेरा इस जिंदगी में फेर मिलू ना प्राणा ते प्यारे मैं, सपने के मतिया दिखाई अंजना के बारे दिल पे चोट लगी मन ऐसा सपना आया, न्यू की न्यू बन गीत मेरा घर उजड़े बसा बसाया, इस जिंदगी में आके ने किसा मुंह काला करवाया, और किसे का दोस्त नहीं याद धन ईश्वर तेरी माया, और किसी का दोस्त नहीं याद धन ईश्वर तेरी माया, फिर अपनी नाड़ कटाणी दिखे अपनी नाड़ कटाणी दिखे, उस ब्याही के बारे में सपने के अच्छे। हेर दुनिया तने मारेगी मैं कितने मुँह दिखलाऊंगा, इसी बहम में
फिरूं भटकता अन पानी न खाऊंगा। न्यू की न्यू बन गई ते मंत्री मैं उल्टा भी ना आऊंगा। हेरे अंजना रानी नहीं मिली तो मैं जीना भी न चाहूंगा। अंजना रानी नहीं मिली तो मैं जीना भी न चाहूंगा। हेरे धर्मराज के पेशी लगे धर्मराज के पेशी लगे मैं पढ़ू नरक द्वारे मैं सपने के मदिया दिखाई अजना के बारे मैं मेरी तबीयत नदी को नामी मारे मैं सपने के मदिया दिखाई अजना के बारे अच्छे। रखे मेर सिंह किस्मत ने मेरे मार कर्म का कोड़ा और किसे का दोष नहीं मने भाग जान के फोड़ा। बड़ी मुश्किल तेरा में मिलावे जती सती का जोड़ा अंजना ने भी आस छोड़ दी प्रेम जान के तोड़ा। अंजना ने भी आस छोड़ दी प्रेम जान के तोड़ा। फिर अंजना कैसी ऊर मिले ना भाई अंजना कैसी ऊर मिले ना जय टोले जग सारे मैं सपने के मदिया दिखाई अंजना के बारे मैं तबीयत डाली बट्टी को ना विपद बड़ी मारे पवन को अंजना के बारे में ऐसा दिखाई दिया तो एक दिन की छुट्टी लेकर फिर आता है और अंजना जो है घर से जा चुकी थी तो वो अपनी माँ को क्या कहता है एक रागिनी में क्या बताया। एरी बुरा मान चाहे भला मान एक गलती कर दी काश तने दरबारा में शोर माच रख तुके दासी दास तने बुरा मान चाहे भला मान बारह साल तक रही अकेली कोना चला लोब कती रानी ते बनी काग उडानी उल्टा सारा रोब कती एक बेल थी फल लागण की परी कतर दी गोब कती सानी ओके निस्तर गीती चोगर दे डोब कती सानियो के निस्तर गीती चोगर दे डोब कती ए
मेरा नौवा मीना गर्भवती वा नौवा मीना गर्भवती वत रखनी चाहिए ती पास तने दरबारा में सोर माजरा तुके दासी दास तने वे बुरा मान चाहे भला माने के गलती कर दी खास तने दरबारा में सोर माजरा तुके दासी दास तने दरबारा में सोर माजरा के तुके तेरा सासू देखे बाट बहु कद आवे नहीं नवेली पूरण मासी के व्रत करे पर साथ चढ़ावे बेली एक बेटा तेरे पवन राजवा अंजना बहु अकेली वाबी गरते कार्ड दई कर उलटे बास बरेली वाबी गरते कार्ड दई कर तेरा एक बहुती घर के अंदर एक बहुती घर के अंदर वत कोना रखी पास तने दरबारा घर का बागे सवाया हो बहु तेर चाल में दरिया करे लक्ष्मी रूप पीर का उसे गन कोड़ा में जरा करे बेटे जन के खान लाग दी और के बुड़का भरा करे सो सो कोट भरे आपे में दोस बिरान दरिया करे सो सो कोट भरे आपे में दोस बिरान दरिया करे मेरे अपने हाथा अपने बेटे का अपने हाथा अपने बेटे का तो कर दिया सत्यानाश तने दरबारा फिर मेहर सिंह अपने घर का जिक्र लिया यार के क्या बारह साल हुए अंजना का खाला आता है जमाने रात अंधेरी वा मैल दुआगी आने सताई से जमाने
सिंह की किस्मत माड़ी दे बॉर्डर ऊपर भेज मने या गोली पे मर जांगा या ले जा पकड़ अंग्रेज मने या गोली पे मर जांगा या ले जा पकड़ अंग्रेज मने तेरे सिंगापुर में मारा जांगा सिंगापुर में मारा जांगा घर मिले लोर में लास्ट ने दरबारा जिस वक्त अंजना घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते जंगल में रात हो जाती है तो उसको एक साधु की कुटी दिखाई देती है। तो जब वो कुटी पर आई तो महाराज उसको क्या समझाने लगे और कैसे बताया भला। तेरे रात अंधेरी गिरती पड़ती वारगी चाल कुटी पे तेरा रहना होते बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे रात अंधेरी गिरती पड़ती रात अंधेरी गिरती पड़ती आधी चाल गुटी पे रे तो रे बेटी की धारा करके ख्याल गुटी पे रे तो रे बेटी की धारा करके ख्याल गुटी पे। बहुत अच्छे मास्टर जी। हेरे ऊक चूक तो जरूर बनी से या ते मेरे जचगी के घर में तेरी हुई लड़ाई गणी कसुती खेचेगी गर्भवती तू घर ते चली आंख कत्ती तेरी मिचगी मेरी शरण में आके बेटी समझ मरण ते बचेगी मेरी शरण में आके बेटी समझ मरण ते बचेगी। हे परमेश्वर तेरा भला करे परमेश्वर तेरा भला करे तेरे ओ जा लाल कुटी पे साधु उसको क्या समझाने लगा कि किस तरह रहना पड़ेगा मेरी कुटी में तने के बताया।
तेरी ओड़ का फिकर मनायो जो है बस डर लागे जंगल में तेरी जात वीर की कदे तिरसना जागे कामदेव का यो गोला बन के मेरे ऊपर दागे विश्वामित्र की डाला मने कर बेहुदा बाजे विश्वामित्र की डाला मने कर बेहुदा बाजे रैया तू रे मैन काया दिया तू रे मैन काया दी अड़लावन ताल कुची पै भोजन खाती होगी अच्छे भोजन खाती होगी अड़े फूल पर पाते पेट भरण की खातर बेटी कंद मूल मिल जाते आमर दूध दरसनी बाबा हरि कीर्तन गाते मन मारे और इंद्री जीते ये साधु कहलाते मन मारे और इंद्री जीते जब साधु कहलाते समण फगण के गीता दी समण फगण के गीता दी गदलावे ताल कुड़ी पै चौथी बात मैं के बताया तेरे पियर की जगह समझ कुटी ने पियर की जगह समझ कुटी ने मत मन में घबराइए सुबह उठ के ना दो के न तू हरि कीर्तन गई एर गैर कोई मानस आजा मत जादे बतलाइए तन मेर सिंह की याद सतावे बेशक चली जाइए सिंगापुर कसे मीर बरोना सिंगापुर कसे मीर बरोना अड़ना बंगाल कुटी पर तो रे रात अंधेरी गिरती पड़ती आगी चाल कुटी पर तो रे करके ख्याल कुछ पैर तो
और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मन पसंद गीत लोकगीत भजन कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। घटिया क्वालिटी के डुप्लीकेट कैसेट्स आपके कैसेट डेक और टेप रिकॉर्डर के लिए खतरनाक हैं। ओरिजिनल सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स खरीदने से पहले सोनोटोन का ट्रेडमार्क